In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear students, with third lecture, second lesson, using the scientific method, we are today going to wind up the new tag of scientific method is as purpose or question, then research, hypothesis, experiment, analysis, and conclusion. This is very simple step-by-step definition of scientific method. Then last day I assigned you to do some homework. Questions were short question, answer the process. Questions were question number one: according to the writers, what are our problems that we have solved? कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमने हल कर लिए हैं? बेटा, there is a question. This type of question will be asked to you. Coming to answer, we have solved so many problems such as maintenance of health, production and preservation of food, construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. कि हमने अपने मसाइल हल किए हैं, बहुत सारे मसाइल, जैसे कि खुराक को बेहतर रखने का तरीका, अपनी खुराक की पैदावार को महफूज करने का, उसकी पैदावार को बढ़ाने का तरीका, फिर साथ साथ हमने मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, अपनी सेहत को भी बेहतर करने का तरीका हमने अख्तियार किया, और ये वो मसाइल थे जो हमने हल कर लिए हैं और करते जा रहे हैं. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, यस, ये आम बात नहीं है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री, इस पर बुक्स लिखी गई हैं. पीपल ऑफ द केव, गिल्बर्ट हाइट की बुक बड़ी इस चीज़ हवाले से हमें रहनुमाई करती है. एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये हम सब देखते हैं, आप सब की ऑब्जर्वेशन है. कम्युनिकेशन देखें, आज हम कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम अपने घर बैठकर, अपने किसी ऑफिस में बैठकर पूरी दुनिया से हम लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आप जानते हैं. देन क्वेश्चन नंबर टू, मेंशन सम डिजीजेज ऑफ द पास्ट, ये आप सारा पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन बेटा आपके सामने वीडियो है इसका और आंसर भी साथ हैं, ये आप याद करेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सी, व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशंस इन द पास्ट, माजी की वो सेहत के हवाले से सफाई सुथराई के जो हालात थे वो क्या थे? माजी में लोगों का सेहत और सफाई से मुतालिक क्या उनका रद्द अमल होता था, क्या उनके वाक़यात हुआ करते थे, वो उनकी रूटीन क्या हुआ करती थी, ये सारी आपने पढ़ ली हैं कि वो लोग नैरो माइंडेड थे, डर्टी थे, गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंक देते थे, सब कुछ मेंशन है इस आंसर में, ये आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं. देन बेटे, अब मैंने आपसे कहा था फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये सिनोनिम्स आपको मैं दिखा रहा हूँ. मेंटेनेंस, अपकीपिंग, सिंपल है, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, समझना, मेक आउट या मेक ऑफ किसी बात का समझना, और क्रिटिकल, रैशनल, अकली, मंतकी होना. क्रिटिकल नाजुक के माने में भी आता है, लेकिन इस लेसन में यहाँ पर क्रिटिकल का मतलब रैशनल के माने में है, अकली श्रूट के माने में है, वाइस के माने में है. एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, स्प्रेड थ्रू, ब्रेकआउट, फूट पड़ना, बीमारी का, जंग का, किसी अचानक कोई बात का ब्रेकआउट हो जाना. लाइकलीहुड, चांस, ये पॉसिबिलिटी. उसके बाद अनसर्टन, अनश्योर, अनडाउटली, सर्टनली, और फिर नेक्स्ट बेटा था फॉर्चुनेट, लकी, एंड स्पेयरिंगली, इकोनॉमिकली, बड़ी ही यानी समझ लें आप कफायत शारी के साथ बचत करके रुक रुक कर पानी को इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पानी अच्छे खासे फासलों से लाया जाता था. देन टुडेज टॉपिक इज मोर फूड एंड बेटर फूड, ये हमने पढ़ा है. पीपल ऑफ द पास्ट में लोग कैसे करते थे, डिडंट हैव वैरायटी ऑफ फूड, ये बेटे बात जहन में रखें,
लेकिन आज के दौर में, जदीद दौर में क्या है, कैन ऑब्टेन वैरायटी ऑफ फूड, हम तरह तरह की खुराक हासिल कर सकते हैं। और आजकल होता है अनसीजनल फूड, हमें आज भी ऑरेंज मिलता है, हम आज भी ऑरेंज खा सकते हैं, हम कैरेट, गाजर, वो भी सैलड, मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी ऑफ सैलड हम खा सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हैर द फूड अवेलेबिलिटी ओनली इन ग्रोइंग सीजन, ये मैं बता चुका हूँ, उन लोगों में मासी वाले के पास सिर्फ वही सीजनल होती थी और इलाकाई होती थी, ओनली इन द रीजन दैट ग्रोस दे कैन ऑब्टेन ओनली दैट फूड, बट नाउ कैन गेट फ्रेश फूड ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर, दिस इज टू बी नोटेड, कैन गेट फ्रेश फूड एंड ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर, then could preserve food by pickling, canning, salting, drying. ये चार उनके अंदाज थे, वो गोश्त को और या फिर कुछ सब्जियां या फल जो हैं उनको वो पिकलिंग कर लेते थे अचार की सूरत में, कैनिंग मुरब्बा बनाकर या उनको नमक वगैरह लगाकर या उनको ड्राई करके, खुश्क करके, उनका पानी वगैरह निकाल कर, लेकिन उसमें एक चांस होता था, वो चांस वॉज दैट That food could be poisoned. उसमें बहुत ही चांस था कि वो poisonous हो सके।